आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई भी कियोस्क बैंकिंग है उसको विंडो 11 पर कैसे चलाएं। दोस्तों, आप कोई ना कोई किसी भी कंपनी से SBI कियोस्क, पंजाब नेशनल बैंक की, यूनियन बैंक की या इसी और भी कंपनी की आप कियोस्क बैंकिंग चलाते हैं तो सारी कंपनियां आपको कहीं ना कहीं प्रेफर करती है कि आप विंडो 10 को चलाइए। विंडो 10 पर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर सही से वर्क करते हैं, परंतु यदि हमारे पास विंडो ओरिजिनल है और विंडो 10 है तो जैसे ही वो अपडेट होती है और हमारी विंडो 11 में कन्वर्ट हो जाती है। विंडो 11 कन्वर्ट होते ही हमारे सामने एक्सप्लोजर खोलने पर ये इस तरह की एक समस्या आती है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी वेबसाइट एक्सप्लोजर पर रीडायरेक्ट नहीं हो पाती और हम कियोस्क ओपन नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं इस चीज़ का सलूशन कि कैसे करके आप बिना झिझक अब बेस रोक टोक विंडो 11 पर ही अपनी कियोस्क बैंकिंग चला सकते हैं। सिंपली इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, तो मैं चाहता हूं आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें इस चीज़ का सलूशन। तो आइए आपको ले चलते हैं स्क्रीन की ओर, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारा विंडो अपडेट हो जाता है या विंडो 11 में जब हम हो जाते हैं तो हम जब भी कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं तो हमारी फाइल कुछ इस तरह से खुलकर आती है, इससे आगे वो रीडायरेक्ट नहीं हो पाती। यानी ये एरर हम फेस करते हैं सबसे पहले। इस एरर से यानी कि हम विंडो 11 में कैसे करके एक्सप्लोजर या SBI कियोस्क चलाएं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ सिंपल सी शॉर्टकट बताता हूं। इन शॉर्टकट को आप लगातार देखते रहिए, अगर कहीं भी आप कोई भी स्किप करते हैं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, लिहाजा आप वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम माइक्रोसॉफ्ट एड्ज EDG करके जो सेटअप आता है हमारा, ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है विंडो 11 में, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसके 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ सेटिंग पर जाते हैं। सेटिंग पर जाने के बाद कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस दिखाई देता है और यहाँ पर जाकर हमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे क्लिक करनी होती है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसको मेक डिफ़ॉल्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, ऑलवेज रिकमेंड, अलाउ, ऐड, इस टाइप से ये ऑप्शन आते हैं। तो इसमें छोटी छोटी कुछ सावधानियाँ हैं, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ लिखा है लेट्स इंटरनेट एक्सप्लोजर ओपन साइट इन माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये ऑलवेज है, इसे आप नेवर कर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि कभी भी इंटरनेट एक्सप्लोजर की फाइल है तो माइक्रोसॉफ्ट EDG में ना खोले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेवर कर देना है सबसे पहले। दूसरा ऑप्शन है अलाउ साइट टू बी रीलोडेड इन इंटरनेट एक्सप्लोजर मोड IE मोड, यहाँ अलाउ भी कर सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे अलाउ रहने दीजिए। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोजर मोड पेजेस, आप किन किन वेबसाइट को एक्सप्लोजर मोड पे खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पर उस वेबसाइट का लिंक URL यहाँ पे डालेंगे। उस लिंक कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, Ctrl+N दबाने से हमें नई वो खुल जाएगी। तो ये मेरी वेबसाइट का URL है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा एक्सप्लोजर पे हम आ जाते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये हमारी वेबसाइट का URL यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे डेट भी लिख के आ जाती है कि 19/1/2023 को ये एक्सपायर भी हो जाएगा, यानी 19 जनवरी को ये एक्सपायर हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर से यही शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, नॉर्मली फिर से आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स खोलिए और यहाँ पर उसी URL को आप पेस्ट कर लीजिए। इसको आप फेवरेट में मेरी तरह बना के रख सकते हैं, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। और ये देखिए मेरा पेज रीडायरेक्ट होके एक्सप्लोजर में ओपन हो गया है। दूसरा तरीका एक और भी है, अगर आप इसको फेवरेट में ना बनाना चाहें तो आपकी कंपनी ने आपको एक सेटअप दिया होगा, जो सेटअप आपके कहीं ना कहीं डाउनलोड्स में होगा या आपने कहीं पे कॉपी करके रखा हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्क D में रखा हुआ है, या लिखा है बैंक सॉफ्टवेयर। इसको जब आप खोलेंगे तो ये मेरा SBI कियोस्क न्यू है, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम कुछ और हो सकता है, आपकी कंपनी का सेटअप कुछ इस तरह से होगा, लेकिन उसमें एक फ़ाइल मिलेगी आपको शॉर्टकट, ये फोल्डर जो है शॉर्टकट नाम से आपका होगा। यहाँ पे अगर आप विंडो 11 चलाते हैं तो आपको 64 बिट वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए यहाँ से और डेस्कटॉप पे आप लाकर पेस्ट कर लीजिए, तो ये आपके साथ बन के आ जाएगा। तो चाहे तो आप माइक्रोसॉफ्ट एड्स में जाके खोल सकते हैं, चाहे तो आप इसी शॉर्टकट से आप उस वेबसाइट को दोबारा
SBI क्योस्क को दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मुझे ये मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया है। तो सिंपली इस तरह से आप वेबसाइट का शॉर्टकट बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट को विंडो 11 पर भी चला सकते हैं। अब आपकी बैंक अलग अलग तरीके की हो सकती है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी आपका सेटअप है उसमें आपको शॉर्टकट नाम का फोल्डर मिल जाएगा। और सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट एज में ये तीन सेटिंग्स को कर लीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपका नहीं चलता है तो आपको एक सेटिंग और बताई देता हूँ मैं। यहाँ पर एक रजिस्ट्री फाइल करके ऑप्शन होता है, आपका जो भी सेटअप है उसी के अंदर ये फोल्डर आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्री फाइल्स। सिंपली ये रजिस्ट्री फाइल्स जो हैं इनको आप रन करा दीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, या सिंपली आप ओपन कर लीजिए तो भी आपका ये उसमें सेटिंग्स में इंस्टॉल हो जाएगा और आप आसानी से अपनी कोई भी कियोस्क बैंकिंग विंडो 11 में चला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।